Kids, today we will learn letter Q. Yes, this is uppercase letter Q and this is lowercase letter Q. Okay, how to write letter Q? Kids, do you know? I will teach you. Okay? First of all, we have to draw a curve. Okay? Come down. Yes. And go up. Again curve. Yes. हमारे यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा, थोड़ा सा कर्व शेप में आएगा. ओके, देन ये हमारी जो है यहाँ से स्लैंटिंग लाइन आ रही है. ठीक है, लोअर केस लेटर, सॉरी कैप अपर केस लेटर क्यू. लोअर केस कौन सा लेटर होता है? यस, कैसे बनता है ये देखिए, ध्यान से देखिए बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ आ स्टैंडिंग लाइन. ओके, देन कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन. ये हमारी कौन सी लाइन होती है? ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है. ठीक है बेटा, व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर क्यू? यस, क्वे. द साउंड ऑफ लेटर क्यू क्वे. आधा क व क्वे. ओके बेटा, Q says क्वे क्वे क्वे. Queen. Yes. This picture is queen. Okay. Curve. Then slanting line कहाँ से लेनी है? यहाँ से. Okay. And यहाँ पे mid में ही आपको slanting line कंप्लीट करनी है. राइट, देखिए अपर केस लेटर क्यू एंड लोअर केस लेटर क्यू. देखिए बेटा, लोअर केस लेटर क्यू में ये हमारी रॉन्ग फॉर्मेशन है. ओके, ये जो हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है ओनली यहाँ तक जाती है. ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग क्यू बनाया था. ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं एंड ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ तक नहीं लेके जाना होता है. ओके, करेक्ट फॉर्मेशन क्यू इज अपर केस लेटर क्यू, कर्व स्टैंडिंग लाइन देन स्लैंटिंग लाइन. लोअर केस लेटर क्यू, स्लैंटिंग लाइन हमने केवल यहाँ तक देनी है और नीचे हाफ से स्टार्ट करना है, हाफ लाइन से, एंड नीचे रेड लाइन तक आपने स्टैंडिंग लाइन लेके जानी है एंड यहाँ वाली ब्लू वाली थर्ड लाइन पे आपने जो है स्टॉप करना है स्लैंटिंग लाइन को. ओके, you have to do practice at home kids and send me homework. Okay kids, bye bye.